एक आईएएस मुस्लिम ऑफिसर मिलने के लिए आया। माना साहब, इस किताब की 1000 कॉपी चाहिए मुझे। मैंने उनको पूछा कि आपके कपड़े, आपके बाल, माने से मैं आईएएस ऑफिसर था, गुजरात के अध्यक्ष के बंगले पर आपका प्रवचन था माने साहब, मुझे आमंत्रण था सीएम की ओर से, प्रवचन में मैं आया था, और बाहर ये किताब मिल रही थी, माने से मैंने किताब ले ली। लेने के बाद पढ़ा, रात को 2 बजे माना साहब किताब खत्म हुई। इसके पहले माना साहब करीबन करीबन 20 बार आंख में से रुमाल निकाला और रोते चला। आपको यह बताना चाहता हूं माना साहब, 40 साल से मेरे पिताजी से बोलना बंद था, 40 इयर्स। इस किताब ने मेरे ईगो को हिला नहीं दिया, गुरुदेव, खत्म कर दिया। सुबह 5:30 होते होते माना साहब गद्दी में करवट बदलते चला और एक ठोस निर्णय ले लिया। 6 बजे माना साहब गाड़ी गैरेज से निकाली, अहमदाबाद में अंबावड़ी में रहने वाला मैं और मेरे पिताजी इनके छोटे भाई के साथ सरखेज में रहते थे, माना साहब गाड़ी भगाई। दरवाजा बंद था, खटखटाया, छोटे भाई ने दरवाजा खोला और सामने गद्दी पे पिताजी बैठे थे। ये आ गया मारने के लिए आया। 40 साल के पहले गुरुदेव वो झगड़ा करके निकला था, सीधा पिताजी के पैर में जाकर के गिर गया। गुरुदेव, आप साधु हो इसलिए पता नहीं होता, 40 साल के बाद एक बेटा अपने बाप से मिलता है तब क्या दृश्य होता है ना गुरुदेव, वो मुनि जीवन में शायद आपको पता नहीं होगा। मैं बताऊं गुरुदेव, छोटे भाई के कमरे की दीवार रो रही थी, पूरा परिवार रो रहा था, बेटा कहां गुम हो गया था। पिताजी माफ कर दो, 40 साल से बेटा तेरे दर्शन के लिए तड़प रहा था, अहमदाबाद में ही रहने के बावजूद तू मुझे मिला ही नहीं, कभी नहीं। कितनी बार मैसेज भेजा था तूने, बोल दिया मुंह देखने के लिए तैयार नहीं मेरा बाप का। बेटा यहां कैसे आया? गुरुदेव, आपकी किताब पिताजी के सामने रख दी, इस किताब ने मेरे ईगो को खत्म कर दिया, आपके चरण में आया हूं। छोटे भाई के कंधे को पकड़ के कहा, भाई कमाल कर दिया, 40 साल से इस पिताजी को तूने संभाल लिया, तेरा उपकार मानू इतना कम है भाई। इस पाप का एक ही प्रायश्चित, अब से पिताजी मेरे घर पे रहेंगे। महाराज साहब, आपके गुरुदेव के दो हाथ जब आपके सर पे होते तब आपको फीलिंग क्या होती मालूम नहीं, मगर 40 साल के बाद एक बाप ने मेरे पे हाथ रखा तब लगा महाराज साहब स्वर्ग यहां ही उतर गया है। छोटे भाई ने कहा, भाई आपकी विनती को स्वीकारता हूं, आपके घर से निकलने के बाद 40 साल तक पिताजी यहां भले रहे मगर आपके लिए तड़प रहे थे, एक काम करो, सब पिताजी के कपड़े सब व्यवस्था करके 4 दिन के बाद पिताजी को आपके घर हम सब आकर के
ब्रेजर। माना साहब आगे की बात मैं बता इसलिए नहीं सकता हूं, घर में माना साहब स्वर्ग का माहौल होने के बाद मैं घर से निकला, सरखेत से माना साहब गाड़ी भगाई अंबावाड़ी आया, शाम को 8 बजे माना साहब मेरे बंगले में आया और गाड़ी बंगले में अंदर दाखिल की, मोबाइल की घंटी बजी, छोटे भाई का मैसेज था, पिताजी शांत हो गए। चालीस साल के बाद एक बाप को बेटे के साथ मिलन तो हो गया, इस अरमान मेरे खत्म हो गए। महाराज साहब ये था कॉम्प्रोमाइज नेचर। 1000 किताब को लेकर के महाराज साहब मेरी कम्युनिटी में मैं बांटना चाहता हूँ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।